सरकार गिरा देंगे अगर नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया। तो लोकतंत्र में इतनी पावर है, जब इंदिरा सरकार गिर गई तो नीतीश कुमार क्या है। संविधान है देश का मेन सरकार, संविधान के भी अलावा कोई सरकार नहीं है। एसटीटी के मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात करने के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? सरकार गिराने की भी बात उन्होंने कही है। जी। सबसे पहला अहम बात जो ये हुआ कि हमारा जो मुद्दा है विज्ञापन का, कि सरकार ने सरकारी विज्ञापन निकाले थे और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित कर दिया गया, असंवैधानिक काम। तो हमने माननीय नेता प्रतिपक्ष को रिक्वेस्ट किया है कि महोदय, हमारा जो मांग है विज्ञापन का, उसको विधानसभा में उठाया जाए। और अगर सरकार विज्ञापन को बदल कर अगर हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती, विज्ञापन को बदल देगी, तो कम से कम ऐसा करिए कि आत्मदाह का इजाज़त दिलवा दीजिए सरकार से। अगर इंसाफ नहीं मिल सकता इस धरती पर, आत्मदाह का इजाज़त दे सरकार, हम आत्मदाह मांगने आए हैं। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष से आश्वासन मिला है, और भी कई नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार गिराने का तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार गिरा दीजिए, आप लोगों ने मुलाकात की है जी, क्या बोला? सरकार गिरा देंगे अगर नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया जाएगा। तो लोकतंत्र में इतनी पावर है, जब इंदिरा सरकार गिर गई तो नीतीश कुमार क्या है, शिक्षा मंत्री क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पालन किया जाएगा, नहीं तो यह सरकार कुछ नहीं है। संविधान है देश का मेन सरकार, संविधान के भी अलावा कोई सरकार नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने एसटीटी के जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे आह्वान किया है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो सरकार गिरा दें। और उसके बाद देखिए, जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि ये सरकार क्या चीज़ है, सरकार गिरा देंगे। हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, विज्ञापन में जो हमारे साथ छलावा किया गया है, इसको लेकर हम सरकार गिरा देंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा है और संविधान ही सबसे बड़ा हमारे लिए। विज्ञापन में जो गड़बड़ियाँ की गई हैं, उसको लेकर हमने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। वही छात्र नेता अनिल ने बताया कि हमने कहा है कि अगर सरकार हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो हमें आत्मदाह करने की अनुमति दी जाए। हालाँकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ देर तक उनसे मुलाकात की है और कहा है कि हम सदन में इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, और लगातार हम इस बार भी जो सदन है, जो बजट सत्र चल रहा है, उसमें भी हम इन मुद्दों को उठाएंगे। ये नेता प्रतिपक्ष का आश्वासन मिला है जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं। हालांकि मुलाकात की जो प्रयास हैं वो काफ़ी दिनों से चल रहे थे और आज उनकी मुलाकात हुई है, उनके जो प्रयास है वो सफल हो गए, और उसके बाद आश्वासन मिला है कि ये जो मुद्दा है उसको बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा और सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सत्र के दौरान क्या वो सरकार को घेरते हैं या नहीं, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एसडी न्यूज़।